हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ईशु राठौर, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैचू जोन पे सीधे पहाड़ से। आज मैं हूं बेरीनाग में और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। और आज हम जाने वाले हैं, यहां से करीब 9 किलोमीटर आगे है कोटेश्वर महादेव टेंपल है, और वहां गुफा के अंदर शिवलिंग है, तो उसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि वहाँ के बारे में क्या है और कैसा वो मंदिर है। तो चलते हैं कोटेश्वर धाम की ओर। चलिए, तो हम जा रहे हैं अभी बेरीनाग से रायहगर रोड पे और हमें जाना है कोटेश्वर धाम। तो रायहगर से दो रोड कटती हैं, तो दिखाते हैं वहीं पे हमें किस ओर जाना है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रायहगर, और रायहगर से ये मेन चौराहा है, यह है बेरीनाग का रास्ता, और नीचे जाता है अल्मोड़ा का रास्ता, और एक तीसरा रास्ता जाता है ये गंगोली हाट को। तो हमें इसी रोड पे जाना है, और यहीं से एक रोड और करती है जो कोटेश्वर धाम को जाती है। तो हमें आगे से लेफ्ट हैंड साइड को कटना है और कोटेश्वर धाम को जाना है। तो अभी चलते हैं, आगे को दिखाता हूँ कोटेश्वर धाम का रास्ता। चलिए, हेलो गाइस, रायगर से ठीक थोड़ा आगे एक रोड कटती है नीचे की ओर को, एक रोड जो ऊपर को है जा रही है वो है गोंगली हट की रोड है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं, रोड पे ही हमने गाड़ी लगा दी क्योंकि नीचे का जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है, तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अब हम जा रहे हैं नीचे को, और रास्ता है कुछ ऐसा, तो चलते हैं दिखाते हैं मंदिर। चलिए, बहुत से श्रद्धालु तो दर्शन करके वापस भी आ गए हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं जंगलों के बीच में से ये रास्ता जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। गाड़ियाँ तो यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन रिस्की है, रास्ता ख़राब है, तो हो सके तो गाड़ी मेन रोड पे ही खड़ी करके आप पैदल पैदल चलिए। वैसे भी धाम में पैदल ही जाना चाहिए, जब तक कष्ट ना हो तब तक शिव के द्वार पे पहुँचने का अर्थ ही क्या। तो कष्ट होगा तो भगवान का नाम निकलेगा मुँह से, और भगवान का नाम निकलेगा तो आपकी मनोकामनाएं वो जरूर पूरी करेंगे। यहाँ पे कुछ गांव भी हैं, छोटी पगडंडियों से होते हुए जा रहे हैं। यह है पगडंडी, और जंगलों के बीच में से कोटेश्वर धाम की ओर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, होप आप सभी को यहाँ पे एक ना एक बार आना चाहिए। और चिड़ियाओं की चहक है, और जंगलों के बीच में मनोरम दृश्य, और हम पगडंडियों से धाम की ओर को उतरते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं कोटेश्वर धाम में। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाता हूं आपको मंदिर के कुछ दृश्य। तो दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले यहां पे एक कुंड है, उसमें हाथों को धो के या फिर स्नान करके आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो दिखाता हूं मैं आपको वो कुंड। तो फ्रेंड्स, ये है एक कुंड, और यहाँ पे हाथ मुंह धो के या स्नान करके हमें फिर मंदिर में जाना पड़ता है, और इसी के सामने है एक जलधारा जहाँ से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए पानी भरा जाता है। यह है वो जगह, मैं आपको लेके चलता हूँ।
यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कुछ कलाकृति उभरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भगवानों की कलाकृतियों उभरी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जल धारा के पास में ही एक छोटी सी गुफा है जिसमें से बहुत सारे शिवलिंग की आकृतियाँ निकली हुई हैं। यह है शिवलिंग की बहुत सारी आकृतियाँ, और इन शिवलिंगों में से प्राकृतिक रूप से स्नान हो रहा है। सभी शिवलिंगों पे प्राकृतिक रूप से स्नान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इनको स्नान करा रहा हो। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। अभी बच्चे स्नान कर रहे हैं, उसके बाद मंदिर में जाएंगे, और कुछ यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये बहुत बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। तो सरकार को इस ओर, इस कोटेश्वर धाम की ओर को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने हाथ मुँह धो लिया है और यहाँ दर्शन कर लिया है। अभी हम चल रहे हैं कोटेश्वर धाम की ओर मंदिर पे। फ्रेंड्स, ये भी एक मंदिर के समीप एक कुंड है जहाँ पे भी मुख धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये है कोटेश्वर धाम का गुफा। अभी जा रहे हैं यहीं को अंदर, अगर वीडियोग्राफी करने दी तो देखते हैं। चलिए चलते हैं। ये हैं भैरव देवता यहाँ के। हम जा रहे हैं अंदर को। तो दोस्तों, ये है कोटेश्वर धाम का गुफा का द्वार, और यहाँ पे शिव जी को विराजमान किया हुआ है और हनुमान जी हैं। और ये हैं यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ। विष्णु जी की मूर्ति हैं, शिवलिंग है, गणेश जी भगवान और विष्णु जी की प्राचीन मूर्तियां हैं। ये यहीं द्वार पे ही रखी हुई हैं। और कुछ अंधेरा सा है, देखते हैं अंदर को अगर दिखा पाए तो। ये एक छोटा सा द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करना पड़ता है। और ये जगह जगह पे जल धाराएं बह रही हैं। ये शिव जी की जटाएं हैं, इनमें से जल धाराएं बह रही हैं। अभी चलते हैं गुफा के अंदर को। जटाएं हैं जिसमें से निरंतर पानी गिरता रहता है। तो शिवलिंग रुद्राक्ष की जैसे हैं यहाँ पे, और ऊपर ऊपर को ये समाप्त हो जाते हैं, और नीचे नीचे को ये करोड़ों शिवलिंग बने हुए हैं। नाग अपने अपने ये देखो अच्छे, बिना ये गणेश जी, ये पार्वती माता, ये सब शिव परिवार है। ये शिव जी का परिवार पूरा। ये तो खाली बनाया, ये अपने आप है ऑटोमेटिक है। नरसिंह जी सब नाग हैं।
ऊपर ये तो शेषनाग टाइप का दिख रहा है। हाँ, ये शेषनाग शेषनाग ये सात पता होगा हाँ ये शेषनाग ही है। ये आकृति बनी है ये वो देखो ये शेषनाग है आकृति है ना। सभी झिल्लियाँ भी बनी है ना इसमें नाग की जैसी झिल्ली हैं तो ये शेष नाग ही है। ये भी शेष नाग का वो पेट की हड्डी टाइप थी कोटेश्वर धाम के शिवलिंग ये गणेश जी नाग देवता पार्वती मैया और शिव जी का पूरा परिवार और यहाँ के मेन मुख्य शिवलिंग हर हर महादेव। कोटेश्वर धाम के दर्शन हो गए अब जाते हैं वापस। ये गुफा अपने आप में ही प्राकृतिक धरोहर है और यहाँ पे टूरिस्टों का उतना आवागमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे जो लोकल हैं स्थानीय लोग हैं वही यहाँ मुख्य त्योहारों पे यहाँ पे आते हैं तो सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे वो टूरिस्ट प्लेस के में डेवलप कर सके और यहाँ पे बाहर के लोगों को भी इस गुफा की इस कोटेश्वर धाम की जानकारी हो और वो यहाँ आए। जैसे पाताल भुवनेश्वर के बारे में हर किसी को पता है तो कोटेश्वर धाम के बारे में भी विश्व में पता होना चाहिए तो सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए। अभी हम चलते हैं इसी द्वार से वापस जाना है चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस मुख्य द्वार से बाहर को हर हर महादेव हर हर महादेव। तो ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर हर हर महादेव। ये यहाँ पे एक मंडप बनाया गया है जैसे पूजा पाठ होती है तो इसमें हवन किए जाते हैं और जैसे किसी की पार्थिव पूजा है और कोई पूजा रखी गई है तो ऐसे हवन कुंड में पूजा अर्चना की जाती है। आज भी यहाँ पे स्थानीय लोगों का एक पार्थिव पूजा रखी गई है तो उसका भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये गुफा ऊंचे ऊंचे चोटियों के बीच में से बनी है ये है अंदर को गुफा बीच जंगलों से घिरा हुआ और उसके बीच में कोटेश्वर महादेव का गुफा है। दोस्तों मेरे साथ यहाँ के पुजारी हैं मोहन चंद जी तो वो आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जी पंडित जी बताइए। प्राचीन गुफा है कोटेश्वर मंदिर जो है प्राचीन गुफा है सतयुग से लेकर के अभी तक इसका जो है पाताल भुवनेश्वर से लिंक है। इसका मृत्युंजय नामक राजा थे।